दोस्तों, अगर हमने ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो उसे हम डाउनलोड कैसे करें? या तो फिर हमने हमारा जो विकलांगता या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो वो हम कैसे डाउनलोड करें, इस बारे में इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख। दोस्तों देखो, यहाँ पे ये विकलांगता सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए swalambankard.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर आना है, और ये वेबसाइट की लिंक मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हो। तो देखो, हमें जो है विकलांगता सर्टिफिकेट, यानी उसी को जो है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी कहा जाता है, या तो उसको UDID कार्ड भी कहा जाता है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है पहले ट्रैक, यहाँ पे हमें वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं है हमारा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, तब हम जो है दो प्रकार से यहाँ पे देखो एनरोलमेंट से भी आप मतलब मैंने इसको सर्च कर सकते हो, या UDID कार्ड से भी कर सकते हो, या तो फिर आपका मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, या आधार नंबर से भी आप को ये सर्च कर सकते हो। तो चलो मैं यहां पर जो है अभी यहां पर आधार नंबर डाल देता हूं। ये नंबर डालने के बाद में फिर आपको गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखो यहां पर जो है ये आपका जो UDID कार्ड है ये डिस्पैच हो गया है, और इसका जो नंबर है ये आपको मतलब ये नंबर कॉपी कर लेना है। ये नंबर को हम कॉपी कर लेंगे और इसे किसी जगह सेव कर देंगे। तो चलो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूं, और उसके बाद में फिर देखो हमने ये कॉपी कर लिया। अब वापस से होम के ऊपर जाएंगे, और यहां पर जो है डाउनलोड डिसेबिलिटी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहां पे लॉगिन के ऊपर आना है। यहां पर जो हमारा नंबर है वो पेस्ट कर देंगे, फिर यहां पर जो है आपका डेट जो है डेट ऑफ बर्थ यहां पे सिलेक्ट करना है। UDID कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे डालना है, वरना ये डाउनलोड नहीं होगा। फिर ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो इस तरह से जो है ये आपका डिसेबिलिटी का जो है ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। राइट हैंड के अंदर जो है डिसेबिलिटी UID कार्ड की लिंक है, यहाँ से आप UDID कार्ड मतलब डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये डाउनलोड ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी कार्ड यानी विकलांगता जो कार्ड होता है आईडी, विकलांगता आईडी कार्ड, वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो देखो ये हमारा जो है कार्ड डाउनलोड हो गया है, तो इसे हम ओपन करके एक बार देख लेते हैं। ये जब तक मुकम्मल डाउनलोड नहीं होएगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, और इसका जो है प्रिंट लेके आपको ये कार्ड जो है बनवा लेना है। फिर उसके बाद में फिर आपका जो अगर कंसेशन है, रेलवे में कंसेशन की जरूरत पड़ती है या ST के अंदर पड़ती है, तब आपको ये कार्ड का उपयोग वहां पे होने वाला है। तो चलो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये PDF फाइल है, देखो हमारा ये जो है ये कार्ड तैयार है, और इसे हमें प्रिंट आउट ले लेना है, और इस तरह से जो है ये डिसेबिलिटी कार्ड आपको प्रिंट कर सकते हो, घर बैठे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।